आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कि हमें सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिलता है। गाइस यस, मैं स्क्रीन पे फोटो मेंशन कर रही हूँ जो कि है रफ्तार जी के साथ ही मेरा फोटो है और ये फ्लाइट पे मुझे मिले थे जब मैंने फुकेट फ्लाइट किया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आई एम बैक विद अनदर वीडियो गाइस। माय नेम इज मोनिका एंड आई एम अ कैबिन अटेंडेंट फ्रॉम लास्ट वन एंड अ हाफ ईयर। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट एवरीथिंग अबाउट कैबिन क्रू। मैंने जब मेरा चैनल यूट्यूब पे स्टार्ट किया था गाइस, तो उसमें मेरा फर्स्ट वीडियो आया था, एकदम फर्स्ट वाला, वो था एवरीथिंग अबाउट कैबिन क्रू। मैंने स्क्रीन पे आपको मेंशन किया है उसका थंबनेल, यू कैन चेक इट आउट। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और आज का जो वीडियो है एक सेकेंड पार्ट होने वाला है गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिपीटेड क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं अभी भी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं आज, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं कैबिन क्रू बनने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इंटरव्यूज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, हमें जाना कैसे है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, कैसे हमें अप्लाई करना है इंटरव्यू के लिए, कैसे हमें उसका फॉर्म सबमिट करना है। तो गाइज हैंग ऑन, डोंट वरी, आई नो ये सारे क्वेश्चंस शुरू शुरू में हमारे मन में आते हैं। जब मैं कैबिन क्रू बनी थी मेरे मन में भी ये सारे डाउट्स थे। सो आज इस सारे डाउट्स के मैं आंसर इस वीडियो में करने वाली हूँ। आपको बस इतना सा करना है कि मेरे वीडियो को करना है एक लाइक। अगर आप न्यू मेरे व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड गाइज, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों के साथ जो कैबिन क्रू बनने का सोच रहे हैं या फिर आगे बनना चाहते हैं। उनके लिए भी बेनिफिट हो, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका 18 प्लस होना। ठीक है, इफ़ यू आर 18 प्लस और इफ़ यू आर 18 राइट नाउ, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू। ओके, डोंट वरी। लेकिन गाइज, लेकिन ऐसा मत बोलना कि मैम मैं 17 इयर्स का हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं गाइज, जो क्राइटेरिया है प्लीज़ हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। जो कुछ रूल्स होते हैं एयरलाइंस के वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो जॉब है वो आपको 18 प्लस के बाद ही मिलती है। अगर आप 18 के हो गए हो तो डेफिनेटली आप इस इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू आर 17 राइट नाउ तो प्लीज़ एक साल और थोड़ा सा वेट करो। जैसे आप 18 प्लस हो जाओगे, 18 हो जाओगे, आप प्लीज़ जाओ और इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर गाइज, फर्स्ट थिंग आप पहले अपना एज क्राइटेरिया देख लीजिए। 18 to 27 एज क्राइटेरिया है गो एयर का और एनी अदर एयरलाइंस जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। मैंने हमेशा से बताया है कि आप उसके करियर वेबसाइट पे जाके चेक करिए, वहाँ देखिए कि एज क्राइटेरिया का जो स्टार्टिंग है वो है 18। सो आप अगर 18 के हो, 19 हो, 20 हो, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू। नाउ द सेकेंड चीज, सेकेंड थिंग, ओके, सेकेंड चीज, ओके, तो 12th पास होना आपका मैंडेटरी है गाइज। 12th इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ऐसा मत बोलना कि मैं 18 प्लस तो हूँ लेकिन मैंने 12th नहीं किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते गाइज कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए। आपका 12th होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका 18 ईयर्स होना, 18 प्लस होना ज़रूरी है। सेकेंड, आपका 12th होना इट्स मैंडेटरी गाइज। दुनिया में कोई भी जॉब पे आप चले जाओ, कोई भी नौकरी हो, यार 10th और 12th सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है और वो बहुत मायने रखता है। उसका सर्टिफिकेट जो भी आपका जो 12th बोर्ड एग्जाम का जो होता है सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गाइस। क्योंकि जब आप एक बार इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो उसमें आपका 12th का भी जो बोर्ड एग्जाम के सर्टिफिकेट वो भी लगता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस 12th आपका होना। आपको 12th करना भी इंपॉर्टेंट है, 12th आपका पास होना भी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 60% आपका मिनिमम जो परसेंटेज वो होने ही चाहिए। ठीक है, नाउ गाइज थर्ड थिंग आती है, अब आता है हाइट और वेट क्राइटेरिया। ठीक है, अब आप सोचो मुझे कैबिन क्रू बनना है, मेरा हाइट तो बहुत अच्छा है तो मैं तो कैबिन क्रू के लिए ट्राई कर सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल एकदम मस्त पतली सी दुबली सी एकदम मॉडल जैसी, मुझे तो ऐसी ले लेंगे। तो नहीं गाइज, हाइट के साथ साथ आपका वेट भी उसके प्रपोर्शनेट होना चाहिए। जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका हाइट एकदम लंबे लंबे आप हो गए हो और एकदम बिल्कुल अंडर वेट हो, और ऐसा भी ना हो कि वेट बहुत ज़्यादा है, हाइट हैंग। तो आपको दोनों क्राइटेरिया में फिट होना है। जैसे कि आप कैसे चेक करोगे, मैंने अगेन बताया उनके करियर वेबसाइट पे जाइए, उनका हाइट क्राइटेरिया उधर वहाँ पे सेम लिखा है कि आपका बीएमआई जो है वो आपके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, हाइट के प्रोपोर्शनेट बीएमआई होना चाहिए। बीएमआई मींस होता है बॉडी मास इंडेक्स। नहीं पता है क्या होता है, डोंट वरी, मैं बता देती हूँ। आप सिंपल सा जाओ गूगल पे सर्च करो बीएमआई कैलकुलेटर, आप उसे ओपन करो, जो फर्स्ट जो आएगा आप उस पर क्लिक करो, वहाँ पे आपका हाइट डालो, आपका वेट डालो और वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आप नॉर्मल क्राइटेरिया में आते हो, एकदम ओबीज में आते हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेट में हो या फिर अंडरवेट में हो।
तो उस हिसाब से अगर थोड़ा सा वेट कम है तो थोड़ा सा आपको खाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट उस अकॉर्डिंग आपके हाइट करना पड़ेगा। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको खाना कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट लूज करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया आपको अगेन ध्यान रखना है। सो गाइज, फोर्थ जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे मन में आती है कि चलो हमने हमने 12th पास कर लिया, हम 18 प्लस भी हैं, हमने हाइट वेट क्राइटेरिया पे देख लिया, तो अब मैं क्या कैबिन क्रू बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ? क्या मैं लगा लूँ इतना सारा पैसा किसी इंस्टीट्यूट में, तो शायद मैं एक साल में पूरा कोर्स करके मेरी तो यूँ जॉब लग जाएगी? तो गाइज हैंग ऑन, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इट्स नॉट मैंडेटरी। प्लीज़ ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट में पैसा बर्बाद मत करिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया, आप वो जाकर चेक कर सकते हो। तो आप इस चीज़ से ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपको कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ द सिक्स्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि हाउ टू चेक दैट वेयर इज़ द इंटरव्यू गोइंग ऑन एंड वेयर इज द वेन्यू एंड डेट्स। तो कैसे चेक करें कि इंटरव्यूज़ कहाँ कंडक्ट किए जा रहे हैं एंड डेट्स क्या है, कैसे हमें इंटरव्यू के लिए जाना है? तो गाइज़ ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, अभी एक बार फिर बता रही हूँ कि अगर आपको इंडिगो के इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप जाइए गूगल पे, वहाँ सर्च इंजन में लिखे इंडिगो करियर, तो उनका करियर वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे उनके सारे क्राइटेरिया डिटेल्स सब कुछ लिखा है, आप पढ़ो कि इंडिगो आपसे क्या क्या मांग रहे हैं, क्या उनका हाइट है, क्या उनका वेट है, कितना कम्युनिकेशन आपसे मांग रहे हैं, कितना फ्लुएंसी मांग रहे हैं, और कितना कैसे कैसे आपको जाना है ग्रुप होके, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है। आप जाइए पढ़िए, ठीक है। एयर एशिया में देना एयर एशिया करियर लिखिए, गो एयरलाइंस में देना गो एयर करियर लिखिए। इसके ऊपर मैं वीडियो कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिलाएगा, इस लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि 7th पॉइंट है, वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या, आपने इंटरव्यू दे दिया अच्छे से, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया और अब आप सेलेक्ट हो गए हो, तो सिलेक्शन के बाद अब क्या होगा गाइस? अब आप सोचोगे अरे सॉर्टेड जिंदगी है, मस्त पैसा कमाना है, मज़े से बड़े बड़े अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने हैं और खूब सारी शॉपिंग करनी है। गर्ल्स के लिए तो बस यही है ना, शॉपिंग शॉपिंग। तो नो गाइस, जैसे कि मूवी में क्लाइमैक्स जैसे ही आता है ना, बस वही क्लाइमैक्स अब आपका आएगा जैसे सिलेक्शन होगा। 3 months का ट्रेनिंग होता है गाइस, एंड दिस इज़ नॉट ईजी ट्रेनिंग, ये बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होता है गाइस। बहुत 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 पढ़ना पड़ता है, इतना आप पढ़ लेते ना, कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर लेते हो, पता नहीं कौन से बड़े अफसर बन जाते। मैं भी बन जाती, जब मैंने ये ट्रेनिंग किया मैं तो बड़ी सोच रही थी कि यार नहीं, मैं तो सेलेक्ट हो गई, अब बढ़िया कैंप को बनना है। नहीं, 3 months गाइस, सब कुछ भूलना पड़ेगा आपको, सारे ऐशो आराम फोन साइड में रख देने का है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। वो सिर्फ पढ़ना है गाइस, सिर्फ पढ़ना है। सुबह मॉर्निंग 8 o'clock से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और शाम को 6:30 खत्म होती है। आप सोच रहे हो कितना पढ़ाई करवाते हैं ट्रेनिंग में, एंड फर्स्ट एड सेफ्टी हर चीज़ आपको पढ़ाई जाती है गाइस। ट्रेनिंग इज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होती है, मज़ा आ जाएगा। 3 months कैसे निकलेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ाई करना है गाइस। एंड 3 months में आपको स्टाइफंड भी देती है कंपनी, ठीक है। मेरे टाइम पे मुझे 9,000 rupees स्टाइफंड मिलता था, हर एयरलाइन का अलग अलग है, तो वो आपको आफ्टर सिलेक्शन पता चल ही जाएगा गाइस। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। एंड गाइस यस, हर मॉड्यूल जो आपको पढ़ाया जाता है सबका एग्जाम होता है, एंड द पासिंग मार्क्स इज 80 marks। मेरी एयरलाइन में 80, इंडिगो में 90 marks। सोच रहे हो आप, 90 जीवन में मैं लेके नहीं आई हूँ, लेकिन यहाँ जब सुना ना 80 marks, लग यार क्लास में तो टॉपर लोगों को मिलता था 80, और यहाँ पे पासिंग मार्क्स 80, तो आप सोच लो आपको कितना पढ़ाई करनी है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, और वो है कि अगर ट्रेनिंग क्लियर नहीं होता है तो क्या होता है। अब आपने बढ़िया इंटरव्यू क्लियर किया, आपने 3 months का ट्रेनिंग भी किया, ठीक है मैं मान रही हूँ ऐसा कोई नहीं होता यार, इतने पैसे देने के बाद कोई पढ़ाई नहीं करता, लेकिन हमने पढ़ाई भी की पर हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, हमारा ट्रेनिंग क्लियर नहीं हुआ, तो अब क्या? तो पहली बात गाइस, कंपनी आपको पैसा रिफंड नहीं करती है जो भी आप ट्रेनिंग फीस देते हो, ठीक है, ये आप दिमाग में ये बात बिठा लो, आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज़, अगर आप फेल हो जाते हो हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको एक मौका और दिया जाता है, ओनली वन लास्ट चांस, क्योंकि आपने इतने पैसे भरे हैं, ठीक है। कोई भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स, कोई भी हमारी कंपनी नहीं चाहेगी कि यार आप कितनी दूर से कैसे करके आप इस जॉब के लिए आए हो और कंपनी इतनी आसानी से आपको टाटा बाय बाय बोल दे कि नहीं यार आप फेल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस, आपको एक मौका और दिया जाता है। अगर वो मौका भी आपने गवा दिया और आप पासिंग मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए तो फिर कंपनी आपको टाटा बाय बाय कर देती है, इसमें कोई भी पैसा आपको रिफंड नहीं मिलता, ठीक है। ओके, सो द 9th पॉइंट इज कि अरे भाई अब तो ट्रेनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब अगर आपने ट्रेनिंग क्लियर कर लिया तो भाई अब सैलरी की भी थोड़ी बात कर लो यार, कितने क्या पैसे हम इसमें कमा लेते हैं। ऑफ कोर्स हम पैसे कमाने के लिए तो इस जॉब में आ रहे हैं यार, ठीक है, ऐशो आराम तो अलग अपनी चीज़ है,
लेकिन कैबिन क्रू में सैलरी भी तो बहुत अच्छा होता है ना, सबसे ज्यादा हमें वही तो अट्रैक्ट करता है किसी भी जॉब में, ठीक है। अगर कोई भी जॉब होगा, सैलरी अच्छा होता है ना तो जॉब करने का मजा ही अलग होता है। तो इसीलिए कैबिन क्रू में जो सैलरी होता है वो होता है 50 to 60 thousand आप नॉर्मली कैबिन क्रू कमाते हैं, और आपके फ्लाइंग आवर्स पर डिपेंड करता है कि आप एक महीने में कितना फ्लाइंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देती हूँ कि जैसे अगर आपने आपने 60 आवर्स फ्लाइंग किया है पूरे मंथ में, ओनली 60 आवर्स, तो आप 60 को 2 से डिवाइड करिए कितना हो रहा है, तो 30 हो रहा है ना, तो 30,000 या 31,000 आपको सैलरी कंपनी देती है। तो ऐसा सैलरी आपका बनता है अकॉर्डिंग टू योर फ्लाइंग आवर्स। जितने फ्लाइंग आवर्स अगर महीने भर में आपने 80 कर लिए तो 80 को आप 2 से डिवाइड कर दो, जैसे भी उनका बेसिक्स वगैरह सब कुछ प्लस करके वो आपको 42-43 सैलरी आपके हाथ में आएगा। अगर आप 100 आवर्स कर रहे हैं तो 50,000 आप सैलरी उससे प्लस कुछ, और दो तीन अगर आप रिपोर्ट सिक नहीं करते महीने भर में तो उसका 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है, तो ऐसे सैलरी मिलता है, ठीक है। वो सारा सैलरी तो बाद की चीज़ है, वो पहले आपको ट्रेनिंग ट्रेनिंग सब कुछ क्लियर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सब कुछ आपको कंपनी सिखा देगी कैसे क्या होता है। एंड गाइज लास्ट थिंग इज अकोमोडेशन, ठीक है, जो कि आता है हमारा 10th पॉइंट। तो सब कुछ हो गया है, अब कंपनी हमें क्या क्या अकोमोडेशन क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, यार आप एक्साइटेड होना जानने के लिए, तो सुनो। फर्स्ट पॉइंट है फ्री टिकट्स। तो यस गाइज, इफ़ यू आर कैबिन क्रू यार, आप दिन रात फ्लाइट में घूमते हो, फ्री में घूमते हो, ठीक है, क्योंकि इट्स योर जॉब यार, जॉब करने जा रहे हो तो कंपनी आपसे पैसा थोड़ी लेगी, आप तो यार कैबिन क्रू हो यार, पूरा फ्लाइट आपका है, आपके पैसेंजर्स आपके, सब कुछ आपका है, इन्जॉय से फ्लाइट करो, मज़ा आता है फ्लाइट करने में। लेकिन फ्री टिकट्स की यहाँ बात हो रही है कि यहाँ पे जो आपके ब्लड रिलेशन में, जैसे कि आपके मम्मी पापा भाई बहन, उनके नाम आप नॉमिनीज में दे सकते हैं। एंड गाइस टिकट फ्री नहीं होता, किसी भी कैबिन क्रू को फ्री नहीं होता, उनकी फैमिली के लिए भी फ्री नहीं होता। फ्री इन द सेंस कि आपको सिर्फ एयरपोर्ट टैक्सेस देने होते हैं, जैसे कि आई एम फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर का टैक्स है कुछ 600 रुपीज़ 650 रुपीज़ मुझे यहाँ से लगता है, क्योंकि इंदौर एक छोटा एयरपोर्ट है और दिल्ली एक बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया ना, तो जब अगर आप इंदौर से दिल्ली आ रहे हो तो यहाँ का जो एयरपोर्ट टैक्स है वो 850 something 900 रुपीज़ कुछ लगता है, तो इतना ही पैसा देना पड़ता है गाइस, इतने हमें हज़ारों नहीं उड़ाने पड़ते जैसे नॉर्मल एक पैसेंजर के लिए आप टिकट बुक करते हो। तो ये चीज़ अच्छी है, आप कैबिन क्रू एज ए कैबिन क्रू भी आपको टैक्सेस पे करने और फैमिली के लिए भी टैक्सेस पे करने। सेकेंड चीज़ है कैब फैसिलिटीज़ मिलती है गाइज, आपको अपने घर से एयरपोर्ट तक छोड़ना और एयरपोर्ट से घर तक लेके आना, कैब आपको सारी कैब फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है, आप कैब से जाते हो। अगर आपका इंटरनेशनल फ्लाइट है तो कैब आपको T3 टर्मिनल पे छोड़ कर आएगी, अगर आपका डोमेस्टिक है तो T2 छोड़ के आएगी, सब कुछ कैब आपको प्रोवाइडेड होती है। अगर आप स्टैंड बाय कर रहे हो एयरपोर्ट पे तो भी कैब आपको लेने के लिए आती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है गाइज। थर्ड है 5-star होटल्स में स्टे करना गाइज, किसको नहीं पसंद है 5-star 7-star होटल में आपको कंपनी देती है, और दिस इज़ नॉट ईजी गाइज, होटल्स में स्टे करने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है आप देखो पहले, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर की ग्लैमरस दुनिया मत देखो, अंदर की चीज़ भी देखो यार, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, आई नो मुझे भी बहुत लगे थे, पर अंदर आने के बाद पता चला कि ढोल कितने जोर जोर से बज रहे हैं ना। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस आप एक्सप्लोर करने को मिलता है गाइज, जैसे कि हमारा पहले फुकेट लेवर था कोविड के टाइम, कोविड से पहले थाईलैंड में हमारा फुकेट लेवर था, तो मैंने फुकेट ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया गाइज, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर की है। तो अभी दुबई का मेरा लेवर स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसके ऊपर भी व्लॉग शूट करूँगी, आप लोगों के साथ लेके आऊँगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डोमेस्टिक एयरलाइन होके भी हम लोग इंटरनेशनल घूमने मिल रहा है गाइज, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सो गाइज अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कि हमें सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिलता है गाइज। यस, मैं स्क्रीन पे फोटो मेंशन कर रही हूँ जो कि है रफ्तार जी के साथ ही मेरा फोटो है, और ये फ्लाइट पे मुझे मिले थे जब मैंने फुकेट फ्लाइट किया था और वो वहाँ से लौट रहे थे तभी मुझे मिले थे, तो मैंने उनके साथ फोटो खिंचवाया था। एंड मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, और मैं रोडीज मतलब मैंने इसे वैसे नॉर्मली चलते फिरते देखा है उनको, लेकिन जब मैंने फ्लाइट पे देखा तो लाइक मुझे लगा अरे मुझे फोटो खिंचवानी है उनके साथ, एंड स्पेशली मेरा ब्रदर उनका बहुत बड़ा फ़ैन है तो मैंने उसके लिए फ़ोटो क्लिक करवाया था। फिर मैं अनुपमा चोपड़ा जी से भी मिली हूँ, आपको स्क्रीन पे उनका भी फोटो दिख जाएगा गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये भी बहुत अच्छी लाइफ है कैबिन क्रू की, जब आप फ्लाइट करते हो, स्पेशली अगर आप बॉम्बे फ्लाइट्स कर रहे हो तो आपको बॉम्बे फ्लाइट में काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ देखने मिलते हैं, ठीक है, तो यार लक है कौन सा फ्लाइट में कब आपको कौन सेलिब्रिटी टकरा जाए, तो बढ़िया है मस्त, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कि गाइस आपको फ्लाइट का खाना मिलता है फ्री खाना, ठीक है, फ्लाइट पे जो भी खाना पैसेंजर्स के लिए आता है वो आपके लिए फ्री होता है गाइस, ऑब्वियसली बात है यार, यू आर द फेस ऑफ द एयरलाइन, ठीक है, आप पूरे जो मतलब फ्लाइट को जो ऑपरेट कर रहे हैं आप ही लोग कर रहे हो, ठीक है, सेल्स आप ही लोग कर रहे हो यार, सब कुछ स्टॉक का सब कुछ आपके पास होता है, तो आप फ्लाइट पर कुछ भी खा सकते हो, क्रू के लिए भी स्पेशली मील आता है खाने के लिए, लेकिन अभी कोविड की वजह से हम लोग फ्लाइट का खाते नहीं हैं। एंड पर्सनली मैं 2 साल से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं फ्लाइट का खाना, काफ़ी सारे क्रू को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, कुछ लोग घर से कैरी करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बहुत मजबूरी है भूख लगी है तो फ्लाइट पर हम लोग खा लेते हैं। तो ये सारी कुछ फैसिलिटीज थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है,
और बस यही है गाइस कैबिन क्रू की लाइफ, लेकिन जो कि बिल्कुल इजी नहीं है। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी है, पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड ओके गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट गाइस। प्लीज़ आप तैयारी करो अच्छे से, कोई भी डाउट्स हो मैं हूँ आपके लिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मुझे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो, या फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स में नीचे बता दिया करो कि मैम ये डाउट है, प्लीज़ इस पर वीडियो लेके आए, मैं जरूर से वीडियो लेके आ जाऊँगी। अभी के लिए बस इतना ही गाइस।